नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 7। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का भाग एक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चतुर्थांश पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दूरी, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्रिभुज और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और आयत। तो सबसे बेसिक जो पार्ट है इस चैप्टर में, बेसिक भाग जो है उसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आपको वीडियो धुंधला दिखाई देता हो तो आपके वीडियो में जब आप वीडियो चालू करेंगे उसके साइड में राइट साइड तीन डॉट बिंदु दिखाई देंगे, उन डॉट बिंदु पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वालिटी जब खुलेगी, क्वालिटी 320, 180 ऐसा कुछ नंबर रहता है, 280 ऐसा कुछ नंबर रहता है, उसमें आप 420 या 480 से ऊपर रखना तो आपका जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई देगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो आप उसमें इस तरह से उसके सुधार कर सकते हैं। देखिए हम क्या होता है निर्देशांक। एनसीईआरटी पैटर्न है, जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चलता है उनके सबके लिए ये कॉमन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये जो बनाया मैंने इसको बोलेंगे हम चतुर्थांश वाला भाग या निर्देशांक ज्यामिति। इसमें चार भाग है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार। इसमें एक ये अक्ष है, एक ये अक्ष है, तो एक्स एक्स डैश भी कहते हैं या फिर एक्स ऋणात्मक कहते हैं, y अक्ष और ये y डैश या y ऋणात्मक, ये इसका केंद्र बिंदु है, सेंटर, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम दर्शाएंगे जीरो से या ओ से। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं जीरो जीरो। ये याद रखने वाली बात है, याद रखने वाला पॉइंट है। आपको प्रश्न पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, जीरो जीरो, दिमाग में फिट कर लेना। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। इसी तरह से इधर एक, दो, तीन, चार, पांच, इधर भी आगे तक चलते चले जाएंगे। इधर एक, दो, तीन, चार, पांच, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, चार, पाँच, इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, आगे बढ़ेंगे तो आगे भी चलता चला जाएगा। इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच। हम आगे के भाग में इसका ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, आपके पास ग्राफ होना चाहिए। जिस तरह से हमने ये नंबर लिखा एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, उसी तरह से इधर भी नंबर लिखेंगे हम, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, चार, पाँच। लेकिन होता क्या है, ये माइनस का रहेगा, इधर भी ये माइनस का रहेगा,
माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पांच, मतलब इस भाग में ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, इतनी भाग की इतनी बात क्लियर है। ये फर्स्ट भाग है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने टोटल? चार। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x और y, इनको इस तरह से संकेत में दर्शाते हैं, x y, यहाँ पे भी ये दर्शा दिया मैंने x y, यहाँ पे दर्शा दिया मैंने x y। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x भी धनात्मक होता है और y का मान होता है वो भी धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी धनात्मक और y का मान भी धनात्मक, जैसा कि आपने नौवीं क्लास में भी पढ़ा था होगा। दूसरे चतुर्थांश में देखो यहाँ पे धनात्मक धनात्मक क्यों लिखा? क्योंकि ये धनात्मक x के मान है और ये धनात्मक y के मान है, तो ये दोनों धनात्मक धनात्मक के बीच में है। इधर y का मान ये आएगा, इधर x का मान ये आएगा, तो ये मान धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, इसलिए हमने इसको भी धन लिया और इसको भी धन लिया। इधर देखें हम, इधर साइड ये y का मान है, y का मान कैसा है? ये धनात्मक है और ये x का मान है, ये x का मान ऋणात्मक है, तो ये x का मान ऋणात्मक और ये y का मान धनात्मक, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस और प्लस लिया। अब ये जो है ये किसके किसके बीच में है? इसके और इसके बीच में है, तो यहाँ पे ये x का मान है और ये y का मान है, तो आप देख सकते हैं x का मान भी ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएंगे? ऋण ऋण आएंगे। अब इधर यहाँ पे क्या होगा? ये x का मान मतलब ये वाला जो भाग है वो इसके और इसके बीच में है, तो ये x का मान है, x का मान कैसा है? धनात्मक है और ये y का मान है, y का मान कैसा है? ऋणात्मक है। ये चारों चतुर्थांश में उनके चिन्ह याद रखेंगे आप लोग कि प्रथम चतुर्थांश में x y दोनों धनात्मक धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में x y ऋणात्मक धनात्मक और तृतीय में दोनों ऋणात्मक 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 और चतुर्थ में धनात्मक ऋणात्मक आता है। इसको उतार लें फिर हम आगे बात करेंगे, जल्दी से उतारेंगे।
चलो उतारो जल्दी जल्दी फटाफट। अगर उतार नहीं पाते इतनी जल्दी तो वीडियो को पुश करके यानी कि बंद करके फिर वीडियो को बंद करके नहीं, इसको रोक के लिख लेना, बना लेना आराम से, फिर आगे बढ़ जाना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इतना समय नहीं लूँगा, आपको इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। चलो वीडियो को रोक के लिख लेना, है ना, लिख नहीं पाते हो तो वीडियो को रोक के लिख लेना। तो इतनी चीजें हम समझ गए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चतुर्थांश कितने हैं? चार। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है। अक्षर कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक से धनात्मक अक्षर, एक से इधर साइड ऋणात्मक, वाई धनात्मक है, वाई ऋणात्मक है। फिर इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? जीरो जीरो। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? जीरो जीरो होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होंगे। चलिए इसको लिख नहीं पाए तो वीडियो को रोक के लिख लेना, हम आगे देखें। सवाल कोई भी दो बिंदु दिए जाएंगे और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम उसका मान कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, उस सूत्र को याद रखेंगे। तो नोट में ये लिखेंगे किन्हीं भी बिंदुओं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदुओं ए का मान या ए के निर्देशांक कितने दिए हमने? मान लिया, कितना माना? x1 और y1। बी के कितने माना? x2 y2। इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? इनके बीच की दूरी दूरी को निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे ए बी। किनके किनके? जिनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं उनको ऐसे लिखेंगे ए और बी। यहाँ पे पी और क्यू भी हो सकता, एक्स और वाई भी हो सकता, एम और एन भी हो सकता, पी और क्यू भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। अभी हमारे पास ए और बी है, इसको ऐसे लिखना है करणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र है, इस सूत्र के आधार पे हम सभी दूरियां ज्ञात कर लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी को x1 - x2 आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नंबर को आगे पीछे किया जा सकता है। चलो इसको उतारो फिर हम इसके आधार पे सवाल देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेते आता हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित 7.1
उतार लिया होगा इसको। क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्न है और इस प्रश्न में बिंदु क्या दे रखे, बिंदु के युग्म क्या दे रखे। एक पहला सवाल है, दो तीन और चार एक। दूसरा सवाल है इसमें माइनस पांच सात और माइनस एक तीन। तीसरा सवाल है ए बी माइनस ए माइनस बी। ये तीन सवाल दे रखे हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो को पुश करके लिख लेना, रोक के रोक लिख लेना। चलो मैं पहला सवाल करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। करना कैसे है, हल कैसे करना है इसको, ये सवाल है अपने पास हमको हल करने के लिए। देखो परीक्षा में कभी भी प्रश्न नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर डालना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ हल, क्वेश्चन नंबर डाला, जो भी क्वेश्चन हो, चलो वो तो खैर आपको मालूम होगा ही। दिया है, दिया है क्या, पहला सवाल ले लेते हम। दिया है, एक को मान लिया हमने ए, दो तीन, तथा बी कितना है चार एक। तब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा। सूत्र होता अपने पास करणी में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये सूत्र हमने देखा था, इसको मानेंगे हम एक्स वन और इसको मानेंगे वाई वन, दूसरे वाले को मानेंगे एक्स टू और वाई टू, इसको मानेंगे हम x1, इसको मानेंगे y2। देखो परीक्षा में ये x1 y1 ऐसा नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको मानेंगे हम x2 और इसको मानेंगे हम y2, ठीक है। जहां जहां x1 है वहां वहां ये मान रखेंगे, जहां जहां x1 के स्थान पे ये y, x1 और y1 के स्थान पे ये मान रखेंगे, x2 और y2 के स्थान पे ये मान रखेंगे। तो आगे हल कर ले हम, कितना बनेगा x2 का मान कितना अपने पास चार माइनस दो का वर्ग प्लस इधर एक माइनस तीन का वर्ग। आगे देखते हम, चार में से दो जाएगा तो दो का वर्ग प्लस इधर इधर भी एक में से तीन जाएंगे तो माइनस दो का वर्ग, दो का वर्ग करेंगे तो चार, यहाँ पे दो का वर्ग करेंगे तो चार। इसके बाद में मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है, उत्तर यहां से इधर लिख रहा हूं मैं। कितना बनेगा
बराबर कंटिन्यू वैसे ही चलेगा। दो का वर्ग करेंगे तो चार, फिर इस दो का माइनस दो का वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा चार। चार और चार करने में हो जाएंगे आठ। अगर चाहो तो या आठ ही रहने दो या फिर आठ को हल करेंगे तो यहां से दो बाहर निकलेगा। दो बाहर कैसे निकलेगा, इस आठ को हम ऐसा लिख सकते हैं, दो गुणित दो, छठी सातवीं क्लास में पढ़ा था होगा, वहां से एक दो जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। अगली स्टेप में यहां लिख रहा हूं तो दो बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचा अपने पास, दो, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। इसी के नीचे 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 लिखते जाना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको उधर पहुंचा दिया, ठीक है। चलो तो इसको उतारो फटाफट। फिर ये सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल हमने करा है और बाकी ये हमने कर दिया है, ये और ये दोनों ही सवाल आप लोगों के लिए हैं। ये दोनों सवाल आप लोगों के लिए हैं, इन दोनों सवालों को इसी के आधार पे करके देखना, भले ये नहीं आता हो लेकिन ये सवाल आ जाना चाहिए, इसका उत्तर आ जाना चाहिए और इसको हल करके आप उत्तर बताएंगे मुझको कमेंट बॉक्स में, उत्तर जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आगे के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस सवाल को अच्छे से उतार लीजिए और नोट्स बनाइए। ये हमारे 10वीं का पहला ही चैप्टर चल रहा है, हमने इसी चैप्टर से स्टार्ट किया है, बाकी चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।